नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिंगल कंप्लीट फुल टेस्ट फॉर अपकमिंग एमपीपीएससी 2018 प्रीलिम्स जो कि इसी मंथ के 18 फेब को होने वाला है उसके लिए प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स सिलेबस ये कंप्लीट सिंगल फुल टेस्ट है और इसे अटेम्प्ट करके आप अपनी तैयारी के लेवल को जज कर सकते हैं। आप ये जान पाएंगे कि आपकी तैयारी का लेवल क्या है और अगर कोई प्रश्न गलत होते हैं, कोई पोर्शन वीक है, तो समय रहते आप उसे सही कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। और इसका आंसर की आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट लाइन पर लिखें। मैं कंप्लीट टेस्ट यानी इन 100 क्वेश्चंस को, इस टेस्ट में 100 क्वेश्चंस हैं और उन 100 क्वेश्चंस को वन बाय वन डिक्टेट करूँगा, पढ़ूँगा ताकि आपको उसे समझने में, विकल्पों के साथ मैं उसे आपके सामने पढ़ूँगा ताकि आपको उसमें कोई समझने में दिक्कत ना हो। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का प्रथम डिजिटल गांव भोपाल में स्थित है, इस गांव का नाम निम्नलिखित में से क्या है? और विकल्प हैं बटजेरी, विकल्प बी है पचौर, विकल्प सी है चौहानपुर और विकल्प डी है अकोदरा। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं के आकलन तथा उसमें सुधार हेतु नगर उदय अभियान कब से शुरू किया गया? विकल्प ए है आपका 1 दिसंबर 2016, बी 25 दिसंबर 2016, सी 31 दिसंबर 2016 और डी 1 जनवरी 2017। नेक्स्ट आपका, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? विकल्प ए है आपका 11 जनवरी 1989, विकल्प बी है आपका 11 अगस्त 1989, विकल्प सी है 11 सितंबर 1989 या डी 11 दिसंबर 1989। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 16 दिसंबर 2017 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के आवासीय एवं परीक्षण परिसर में न्याय ग्राम की आधारशिला रखी? विकल्प ए है आपका बिलासपुर उच्च न्यायालय, बी है आपका जबलपुर उच्च न्यायालय, सी आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बिटकॉइन एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा के रूप में, देख सकते हैं कि बिटकॉइन एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा के रूप में है जिसकी कीमतों में हाल में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी गई है, निम्नलिखित में से यह एक प्रकार की मुद्रा है, कैसी मुद्रा है? विकल्प ए वैधानिक मुद्रा, बी आभासी मुद्रा, सी फैट मनी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? विकल्प ए है आपका अत्याचार से बचाव, बी है आपका विशेष न्यायालयों का गठन, सी है आपका राहत तथा पुनर्वास और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? और पहला है, विकल्प ए है 18, विकल्प बी है 17, विकल्प सी है 27 और विकल्प डी है 22। नेक्स्ट है आपका, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में किस वर्ष संशोधन किया गया? विकल्प ए है आपका 2011, विकल्प बी है 2015, विकल्प सी है 2014, विकल्प डी है 2013। नेक्स्ट है आपका कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कैबुल लामजाओ किस झील में स्थित है? और विकल्प है आपका ए लुकटक झील, बी पेरियार झील, सी बेम्बनाथ झील, डी डल झील। नेक्स्ट आपका, किस प्रकार के मृदा अपरदन को किसान की मौत कहते हैं? विकल्प ए है क्षुद्र सरिता अपरदन, बी और नालिका अपरदन, सी ए और बी दोनों या डी परत अपरदन। नेक्स्ट है आपका, यमुना में मिलने वाली निम्न नदियों का सही क्रम क्या है? ए है चंबल सिंध बेतवा कीन, बी है आपका चंबल बेतवा सिंध कीन, सी है आपका बेतवा चंबल कीन सिंध, डी है आपका कीन बेतवा चंबल सिंध। अगला प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर बना है? और विकल्प है ए ताप्ती, बी रावी, सी यमुना और डी व्यास। नेक्स्ट प्रश्न है, 28 दिसंबर 2017 को सऊदी अरब के रियाद में संपन्न विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन 2017 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? और विकल्प है आपके एलेक्जेंडर गिस्चुक, बी है आपका विश्वनाथन आनंद ने, सी आपका ब्लादिमीर फिडोसीव ने, डी आपका मैग्नस कार्लसन ने। अगला प्रश्न है, अभी हाल में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा उद्घाटित विश्व वेद सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया?
विकल्प ए है लखनऊ में, विकल्प बी है मेरठ में, विकल्प सी है नई दिल्ली में, या विकल्प डी है जयपुर में। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान ओखी से विशेष रूप से तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप प्रभावित हुए। ओखी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होता है? विकल्प ए है नाक, विकल्प बी है आंख, विकल्प सी है कान और विकल्प डी है गर्दन। अगला प्रश्न है, आपका यात्रियों की बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अभी हाल में स्वर्ण योजना, देख सकते हैं स्वर्ण योजना, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है? विकल्प है ए मेट्रो रेल द्वारा, विकल्प बी भारतीय रेल द्वारा, विकल्प सी एयर इंडिया द्वारा और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका 17वां प्रश्न, 11वीं ब्लाइंड चैलेंज कार रैली का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया? ए जबलपुर, बी उज्जैन, सी भोपाल, डी ग्वालियर। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे 26 जनवरी 2017 को मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान कर सम्मानित किया गया? ठीक है, प्रश्न है आपका ये 18वां, निम्न में से किसे 26 जनवरी 2017 को मरणोपरांत अशोक चक्र प्रदान कर सम्मानित किया गया? ए शहीद मुकुंद वरदराजन, नेक्स्ट है आपका शहीद हंगपन दादा, नेक्स्ट विकल्प है शहीद मोहन गोस्वामी और नेक्स्ट अगला विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित निम्न देशों में से किस देश की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कम है? ए है ब्राजील, विकल्प बी है इंडोनेशिया, सी है अमेरिका, डी है चीन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? विकल्प है आपका मैकाल हिल्स, बालाघाट रेंज, सोनपार हिल्स या भानेर रेंज। नेक्स्ट आपका, मुंबई नागपुर कोलकाता मार्ग निम्न में से किस दर्रे से गुजरता है? ए पालघाट, बी सेनकोट्टा दर्रा, सी भोरघाट, डी थालघाट। नेक्स्ट प्रश्न है, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? विकल्प है आपके ए धूपगढ़, बी महेंद्रगिरी, सी पारसनाथ और डी अनाईमुड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 60 मेगावाट की ट्यूरियल जल विद्युत परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया गया, यह परियोजना स्थित है? विकल्प है आपके ए मेघालय में, बी मिजोरम में, सी सिक्किम में या डी नागालैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान मिस वर्ल्ड का नाम क्या है? ए मानुषी छिल्लर, बी अर्मी कुसेला, सी आईडी सस्थाना और डी रोशमिता। अगला प्रश्न है, एक वर्त कमीशन का गठन निम्न में से किस वर्ष हुआ था? विकल्प में आपके 1909, 1919, 1920, 1921। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? और विकल्प में आपका 1923 में, 1922 में, 1921 में या 1920 में। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को निम्न में से किसने एक निर्मम भूल कहा है? विकल्प ए हैं आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने, बी महात्मा गांधी ने, सी रविंद्रनाथ टैगोर ने और डी राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, समाचार पत्र हरिजन का प्रकाशन कहाँ से होता था? ए बम्बई, बी पूना, सी कलकत्ता और डी अहमदाबाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजा राम मोहन राय का संबंध जिससे नहीं था? पहला है आपका आदि ब्रह्म समाज विकल्प, विकल्प बी है आत्मीय सभा, विकल्प सी है हिंदू कॉलेज, विकल्प डी है वेदांत कॉलेज। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट से कौन संबंध नहीं था? पहला विकल्प है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा तेज प्रताप बहादुर सप्रू और सी सरदार मंगल सिंह, डी जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, जलाली नामक सिक्का किसने चलाया? विकल्प ए शाहजहां, बी शेरशाह, सी अकबर, डी हुमायूं। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यूनेस्को के श्रेणी 2 केंद्र के रूप में परिचालनगत सामुद्रिक विज्ञान के लिए निम्नलिखित में से कहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी दी है? ए हैदराबाद में, बी चेन्नई में, सी लखनऊ में और डी भोपाल में। नेक्स्ट है आपका, चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे पराजित किया था? विकल्प आपका पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, जयचंद, मूलराज द्वितीय। नेक्स्ट है आपका, इल्तुतमिश द्वारा गठित 40 दल का दमन किसने किया था? विकल्प ए है आपका बलवन, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है मोहम्मद बिन तुगलक और डी है रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था? विकल्प है आपके मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, फिरोज शाह तुगलक।
नेक्स्ट है आपका वाडियार वंश का शासक था, विकल्प है आपका रोहिलखंड, बी मैसूर, सी मालवा और डी भरतपुर। अगला प्रश्न है पंजाब का अंतिम शासक कौन था, विकल्प ए है रणजीत सिंह, बी है दिलीप सिंह, सी है खड़क सिंह और डी है शेर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है कूट के माध्यम से सही उत्तर आपको चुनना है। मुस्लिम लीग के गठन के समय मिंटो वायसराय था और ये कूट प्रथम है, कूट द्वितीय है, चौरा चौरी कांड के समय करजन वायसराय था और आपको बताना है विकल्प ए केवल ए सही है, वन सही है, केवल दो सही है, एक व दोनों सही हैं और दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित राज्यों में से कहां पर तारापुर परमाणु केंद्र अवस्थित है, ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है आपका कि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, विकल्प ए है 524, बी है 552, सी है 563 और डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, विकल्प ए है आपका 42वां, बी 44वां, सी 46वां और डी 47वें। नेक्स्ट आपका प्रकाश वर्ष इकाई मानी जाती है, विकल्प है आपके समय की, विकल्प बी है आपका दूरी की, विकल्प सी है प्रकाश की गति की, विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है, विकल्प ए है सीडेराइट, बी है मिडेनाइट, सी है मैग्नेटाइट और डी है बॉक्साइट। नेक्स्ट है आपका चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, विकल्प है आपका मेहरगढ़, बी चिरांद, सी बुर्जहोम और डी कुलडीवा। नेक्स्ट प्रश्न है मंदसौर अभिलेख किस शासक से जुड़ा है, विकल्प है आपका यशोधर्मन, बी समुद्रगुप्त, सी पुलकेशिन द्वितीय और डी स्कंदगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है अथर्ववेद में कितने अध्याय हैं, विकल्प ए है आपका 24, बी है आपका 16, डी है आपका सी है आपका 10 और डी है आपका 20। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध संघ के नियमों का विवेचन किस ग्रंथ में है, विकल्प है आपके ए सुत्ति पटक, बी अभिधम्म पटक, सी दीघ निकाय और डी विनय पटक। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान, रंगपुर गुजरात, सुरकोटदरा सिंध और लोथल गुजरात, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है आपको ये फाइंड करना है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस राज्य का प्रतीक चिन्ह कॉर्प मछली था, पहला ए विकल्प आपका चेर, बी पांडव, सी चोल, डी विजयनगर। अगला प्रश्न है मणि मेखलय का लेखक कौन था, ए है आपका सीतले सतनार, बी तोलकापियर, सी तोलकापियम और डी इलंगबगा आदिगल। अगला प्रश्न है निम्न पर्वतों में से कौन सबसे पूर्व में स्थित है, विकल्प ए है आपका एवरेस्ट, बी है K2, सी है मैकालू और डी है कंचनजंगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, विकल्प है आपके ए 226, बी 236, सी 246 और डी 256। नेक्स्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, याद रखिए कौन सा कथन सही है, पहला बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला है, बी मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 941 है, सी न्यूनतम महिला साक्षरता अलीराजपुर जिले की है और डी भोपाल मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। अगला प्रश्न है भारत की 15वीं जनगणना का नारा क्या है, विकल्प ए है हमारा देश हमारी जनगणना, बी है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, सी हमारी जनगणना हमारे मानक और डी हमारी जनगणना उज्जवल भविष्य की ओर। अगला प्रश्न है तापी नदी बेसिन का सर्वाधिक भाग किस राज्य में पड़ता है, विकल्प है आपके महाराष्ट्र ए, विकल्प बी मध्य प्रदेश, विकल्प सी गुजरात, विकल्प डी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि सूरत किस नदी के मुहाने पर स्थित है, ए नर्मदा, बी माही, सी तापी या डी साबरमती। भारत में गोथिक स्थापत्य का आगमन किसके साथ हुआ, ये अगला प्रश्न है, विकल्प है आपका ए डच, बी अंग्रेज, सी पुर्तगाली और डी फ्रांसीसी। नेक्स्ट प्रश्न है हड्डियों में लगभग कितने प्रतिशत फॉस्फोरस होता है,
विकल्प में आपके 15%, विकल्प ए 20, 8%, सी 14% और डी 5%। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न दिवसों में से कौन सा दिसंबर में नहीं पड़ता है? विकल्प है आपका किसान दिवस, बी आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, सी राष्ट्रीय विधि दिवस और डी सुशासन दिवस। अगला प्रश्न, विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और विकल्प ए है 22 अप्रैल, बी 22 मार्च, सी 22 मई और डी 11 जुलाई। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं है? विकल्प है आपका धार्मिक न्याय, विकल्प बी है आपका राजनीतिक न्याय, सी आर्थिक न्याय और डी सामाजिक न्याय। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 दिसंबर 2017 को मुंबई मझगांव डॉकयार्ड में फ्रांस के सहयोग से निर्मित INS कलवरी को राष्ट्र को समर्पित किया, इसका अन्य नाम निम्नलिखित में से क्या है? विकल्प ए है टाइगर शॉक, विकल्प लायन फिश, विकल्प सी बिग हवेल और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ग्रेट लेक्स में कौन पूर्णतः USA में स्थित है? विकल्प ए है ईरी, विकल्प बी है मिशिगन, विकल्प सी है सुपीरियर, विकल्प डी है ओंटारियो। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध सब्जियों की खेती से है? ए हॉर्टिकल्चर, बी एग्रोनॉमी, सी और एग्रीकल्चर और डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कब राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? विकल्प ए है आपका 16 दिसंबर को, बी है आपका 15 दिसंबर को, सी है आपका 14 दिसंबर को और डी है आपका 13 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कृष्ण वीवर ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पहला ए विकल्प है आपका हरगोविंद खुराना, बी CV रमन, सी एस चंद्रशेखर और डी हरमन बॉन्डी। नेक्स्ट है, सूर्य के ऊर्जावान होने का क्या कारण है? ए है आपका विकल्प नाभिकीय विखंडन, बी है आपका नाभिकीय संलयन, सी है आपका ये भी दोनों और डी है तीव्र घूर्णन। नेक्स्ट है आपका उपसौर की तिथि क्या है? विकल्प ए है 3 जनवरी, विकल्प बी है 4 जुलाई, सी है 21 सितंबर और डी है 22 मार्च। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ए विकल्प आपका ब्रिटिश कोलंबिया, बी बंगाल की खाड़ी तथा अंडमान के मध्य का क्षेत्र, सी भारत का पश्चिमी घाट और डी चुक्ची सागर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कैंपोस ब्रिटेन, सेल्वोस दक्षिण अफ्रीका, लानोस ब्राजील, पेम्पोस अर्जेंटीना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजधानी नहीं है? क्राइस्टचर्च, विकल्प ए बी बांजुल, सी रिंगा और डी किसानसा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सागरीय लवणता को नियंत्रित करने का कारक है? पहला ए वाष्पीकरण, बी नदी, सी पवन, उपरोक्त सभी, विकल्प डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से भी जाना जाता है? पहला विकल्प ए है पामीर ग्रंथि, बी अटकामा मरुस्थल, सी डेथ वैली और डी वान झील। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? विकल्प ए है आपका 24 अप्रैल, बी है 26 नवंबर, सी है 26 अप्रैल और डी 24 नवंबर। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा भाग भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? विकल्प है आपके भाग 3, भाग 2, भाग 9 या भाग 9 का। नेक्स्ट है, मानव नेत्र द्वारा स्पष्ट दृष्टि हेतु न्यूनतम दूरी क्या होती है? 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका कि कौन सा अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के न्याय निर्णयन से जुड़ा है? फिर से मैं पढ़ देता हूँ कि कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवादों के न्याय निर्णयन से जुड़ा है? विकल्प यहाँ का अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 172। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया? विकल्प है आपके 1961, बी 1971, सी 1981 या डी 1991। अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है? और विकल्प है आपका 52वां संविधान संशोधन 1985, 91वां संविधान संशोधन 2003, ए या बी दोनों या 61वां संविधान संशोधन 1989। नेक्स्ट है आपका, शहरी स्थानीय शासन को क्रमशः कौन सा भाग और अनुसूची जोड़े गए? सॉरी
फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इसे कि शहरी स्थानीय शासन से क्रमशः कौन सा भाग और अनुसूची जोड़े गए। विकल्प हैं आपके भाग 9 का व अनुसूची 11, विकल्प बी है आपका भाग 9 व अनुसूची 12, विकल्प सी आपका भाग 9 का व अनुसूची 10, विकल्प डी है भाग 9 का व अनुसूची 12। नेक्स्ट है प्रश्न आपका कि लाल रंग के कागज पर हरी किरणों के गिरने पर कागज किस रंग का दिखेगा। विकल्प है काला, पीला, नीला या सफ़ेद। अगला है भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, भोपाल, देहरादून, रांची, अल्मोड़ा। नेक्स्ट है आपका क्षय रोग तथा निमोनिया के क्रमशः कौन से मानव अंग प्रभावित होते हैं। क्षय रोग तथा निमोनिया से क्रमशः कौन से मानव अंग प्रभावित होते हैं। पहला फेफड़ा एवं आंत, विकल्प दूसरा दोनों दोनों से फेफड़ा, विकल्प सी फेफड़ा एवं श्वास नली और विकल्प डी आंत एवं फेफड़ा। नेक्स्ट है आपका कि सीसी मक्खी मुख्यतः किस रोग का कारण है। विकल्प है आपका ट्रिपनोसोमा, विकल्प बी आपका कालाजार, विकल्प सी हैजा और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना की 5 महिलाओं को एक दल नेतृत्व लेकर कमांडर वार्तिकी जासी द्वारा विश्व यात्रा निम्नलिखित में से किस पोत द्वारा की जा रही है। विकल्प ए है INSV गरुण, INSV वरुण, INSV तरणी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका निम्न समाचार एजेंसियों में से कौन से अमेरिकी है। पहला है आपका राइटर्स, BUNI, सी एसोसिएटेड प्रेस और डी AAP। नेक्स्ट प्रश्न है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कहां पर डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर राष्ट्र को समर्पित किया। विकल्प हैं आपके ए नई दिल्ली में, बी आगरा में, सी जयपुर में, डी शिमला में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वर्ष 2016 में 500,000 के कागजी मुद्रा को बंद करने की घोषणा कब की गई थी। विकल्प हैं आपके 10 नवंबर, 9 नवंबर, 8 नवंबर या 7 नवंबर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी योजना वर्ष 2015 की नहीं है। विकल्प हैं आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बी प्रधानमंत्री जनधन योजना, सी जननी सुरक्षा योजना, डी प्रधानमंत्री कौशल विकास। अगला प्रश्न है भारत में ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। विकल्प ए है 1975, बी 1970, वी सी 1980 या डी 1985। नेक्स्ट आपका निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान नहीं है। याद रखिए नहीं है, ए सरसों, बी समस्त तिलहन, सी दालें, डी सोयाबीन। नेक्स्ट आपका हॉर्नबिल महोत्सव जो कि नागालैंड में मनाया जाता है का स्थापना दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। विकल्प है आपके 1 नवंबर को, विकल्प बी है आपका 1 दिसंबर को, विकल्प सी 1 जनवरी को, विकल्प डी है 1 फरवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। विकल्प ए असम, विकल्प बी अरुणाचल प्रदेश, विकल्प सी मेघालय और विकल्प डी सिक्किम। नेक्स्ट है स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है। विकल्प है आपके बेरोजगारी अनुमान से, विकल्प बी जनसंख्या नीति से, विकल्प सी राष्ट्रीय आय में वृद्धि से और डी कर सुधार से। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है। विकल्प हैं आपके 60, 56, 62 या 61। अगला प्रश्न है 1 दिसंबर 2017 को विश्व एड्स दिवस मनाया गया जिसकी थीम थी, क्या थी। विकल्प हैं आपके माई राइट्स फॉर हेल्थ, विकल्प बी राइट्स फॉर हेल्थ, तो सी माई हेल्थ माई राइट्स और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है भुखमरी से निपटने के लिए अफ्रीका के किस देश द्वारा उच्चतम गुणवत्ता के सुपर बीन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। विकल्प ए है बोत्सवाना द्वारा, विकल्प बी मिस्र द्वारा, विकल्प सी गांडा द्वारा, विकल्प डी रवांडा द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है बांटू आदिवासी किस महाद्वीप पर पाए जाते हैं। आपके विकल्प हैं ए अफ्रीका, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका और डी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्मॉग दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया गया। विकल्प हैं आपके 2 दिसंबर 2017 को, विकल्प बी है आपका 3 दिसंबर 2017 को, सी है 4 दिसंबर 2017 को या डी है 5 दिसंबर 2017 को। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ए रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है, बी पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है, सी ईरान की संसद को सोरा कहा जाता है और डी फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। तो दोस्तों ये था कुछ
फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ए कंप्लीट टेस्ट सीरीज जो कि आने वाले एमपीपीएससी एग्ज़ाम को देखकर ध्यान में रखकर अपलोड की गई है। तो आप इसे सॉल्व करें और बताएं आपको ये कैसा लगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।